So hey guys, it's me Vanmai and welcome to my YouTube channel Vlogs by Vanmai. तो guys कैसे आप सब लोग ठीक है ना? So guys, first of all 500 subscribers के लिए thank you so much. क्योंकि guys मैंने बिल्कुल सोचा ही नहीं था कि आप मुझे 500 subscribers तक पहुंचा सकते हो. तो guys आज मैं बहुत ही special video लेकर आई हूँ. तो इस video को skip बिल्कुल मत करना और इस video को end तक जरूर देखना. तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं. तो गाइस इसमें आपको इधर एज 8+ लिखे हुए ऐसा लिखा हुआ है. और गाइस इसके अंदर ना बहुत सारे छोटे छोटे वुडन के पीसेज हैं जो कि उन सारे वुडन पीसेज को मुझे असेंबल करना है और मुझे पूरा आपको इधर दिख रहा है ना ऐसा बनाना है. तो गाइस अभी मैं आपको फटाफट से इसकी छोटी सी अनबॉक्सिंग दिखा देती हूँ. जैसे कि आप देख सकते हो हमें इधर पूरा एक बॉक्स मिला है जिसके अंदर होंगे बहुत सारे मतलब चीजें माइक्रोस्कोप बनाने के लिए चीजें सारे होंगे. तो चलो मैं इसको खोल के देखती हूँ इसमें क्या है. तो गाइस जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो गाइस आप देख सकते हैं हमें मिला है एक कार्डबोर्ड का पीस जो कि हमें जरूरत नहीं है. तो हम इसको साइड में रख देते हैं. और गाइस फिर हमें सबसे पहली चीज है जो कि है बुकलेट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. तो आप देख सकते हो गाइस. और गाइस इस बुकलेट में सारे इंस्ट्रक्शन दी गई है कि हमें पूरा कैसे बनाना है सारे सब कुछ चीज है. और गाइस देख सकते हो इसमें पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि हमें कौन से पार्ट कौन से कैसे असेंबल करना है. तो गाइस चलो अभी हम सारे दूसरे चीजें देखते हैं क्या है. तो गाइस ये सारी जो चीजें आप देख सकते हो ये सारी चीजें हमें माइक्रोस्कोप बनाने के लिए हेल्प करेंगे. तो आप देख लीजिए एक बार कि कौन कौन सी चीज है. और गाइस हमें फिर ये चीज भी मिली है. और हमें ये छोटी छोटी रबर बैंड भी मिली है. ये सबसे छोटे वाले रबर बैंड्स. और हमें एक ये चीज भी मिली है जो कि हमें हेल्प आएगा माइक्रोस्कोप बनाने के लिए. तो गाइस अभी आप देख सकते हैं कि हमें इधर बहुत सारे कुछ वुडन के पीसेस मिले हैं जिससे हमें ये जो मेन पार्ट है जिससे हमें पूरा माइक्रोस्कोप बनाना होगा. आप एक बार देख सकते हैं इन सारे पीसेस को. अभी चलो हम पूरे इस सारे चीजों को सारे पूरा एक माइक्रोस्कोप रेडी करते हैं और सारे इन चीजों को असेंबल करते हैं. तो गाइस अभी ना मैं स्टेज 1 बनाने वाली हूँ जिसके मैंने सारे पार्ट्स इधर सब कुछ रेडी कर लिया है. तो गाइस आप देख रहे होंगे मैंने एक सिंपल से एक वुडन का पीस लिया है जिसको मैंने एल गियर से अच्छे से उस एल गियर ले लिया और उस होल के अंदर डाल दिया है. और मैंने सिंपल से एक रबर बैंड से सिक्योर कर दिया है. और गाइस मैंने फिर साइड गियर्स भी लिया आप देख सकते हो. वापस मैंने उस छोटे होल्स के अंदर डाल दिया है और वापस पीछे से रबर बैंड से वापस अच्छे से बांध दिया है. और गाइस आपने एक देखा होगा कि मैंने एक लाइट सोर्स भी लिया है जिसको मैंने उसके अंदर डाल दिया और उसके ऊपर मैंने कवर कर दिया और रबर बैंड से उसे बांध दिया है. और गाइस मैंने स्टेज फ्रंट भी लिया जो आप देख सकते हो उसके मैंने साइड में अच्छे से रबर बैंड लगा दिया.
तो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने एक स्पेसर लिया है जिसके ऊपर मैंने एल गियर पे ऊपर लगा दिया है और रबर बैंड से वापस सिक्योर कर दिया है। और गाइस मैंने इसमें एक स्लाइड लिया है जिसको वो जो होल के बीच में रखा है और अच्छे से, और गाइस देख सकते हो हमारा पूरा बन चुका है। तो गाइस अभी हम ना माइक्रोस्कोप का आर्म बनाने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं हम पूरा ऐसा आर्म बनाने वाले हैं। और गाइस हमें ये सारे इसके पार्ट्स चाहिए माइक्रोस्कोप का आर्म बनाने के लिए, तो आप देख सकते हो मैंने सारे पार्ट्स रेडी कर चुके हैं, तो अभी चलो बनाना शुरू करते हैं। तो गाइस अभी मैंने ले लिया है एक आर्म प्लेट वन, और गाइस आप देख सकते हो कि मैंने एक सर्कल सा कुछ टाइप सा बनाया है, तो गाइस ये मैंने पहले से रेडी कर चुका है। तो गाइस अभी ना हम आर्म प्लेट जॉइनर लेने वाले हैं और सिंपली से उस होल के अंदर डालने वाले हैं और हम रबर बैंड से वापस सिक्योर कर देंगे अच्छे से। फिर गाइस ये जो आपको ये जो सर्कल टाइप का दिख रहा होगा उसको उस सर्कल के अंदर डालना है, और मैंने उसके ऊपर दूसरी आर्म प्लेट जॉइनर आर्म प्लेट डाल दी है। और गाइस अभी मैंने क्या किया है, उसको अच्छे से सिक्योर कर दिया रबर बैंड से। फिर गाइस मैंने ना ट्यूब होल्डर लिया है और आप देख सकते हो मैंने छोटे छोटे रबर बैंड्स लिए हैं और वापस उसे अच्छे से सिक्योर कर दिया है, और एक ऑरेंज रबर बैंड से उसे वापस और अच्छे से सिक्योर कर दिया है। तो गाइस अभी मैंने इस आर्म प्लेट स्पेसर को लगाना भूल गई थी, तो चलो इसे मैं वापस इसे लगा देती हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा माइक्रोस्कोप का आर्म बन चुका है, तो चलो अभी हम नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। तो गाइस अभी हम स्टेज 3 में बे माइक्रोस्कोप का बेस बनाने वाले हैं। तो गाइस आप देख सकते हो हमें ये सारे आइटम्स चाहिए इस बेस को बनाने के लिए। तो गाइस आप मेरे हाथ में देख रहे हो ये सारे पूरे बेस के सपोर्टर्स हैं। और फिर गाइस हमें क्या करना है, सिंपली से आपको बेस प्लेट दिख रहा होगा उसमें हमें सपोर्टर्स डाल देने हैं और सिंपली से एक छोटे रबर बैंड से उसे अच्छे से बांध देना है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मैंने पूरा कंप्लीट कर चुका है, तो चलो अब हम नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। तो गाइस अभी हम इस स्टेज में लेंस ट्यूब बनाने वाले हैं। तो गाइस लेंस ट्यूब बनाने के लिए आपको देख रहे होंगे कि मैंने एक लेंस बाइंडर लिया है जिसके ऊपर मैंने एक ग्लास टाइप लेंस बाइंडर लगा दिया है, और गाइस उसके ऊपर मैंने एक छोटी सी लेंस लगा दी है जो आप देख रहे होंगे कि मैं क्लॉथ से अच्छे से प्लेस कर रही हूँ। और फिर गाइस मैंने उस लेंस के ऊपर एक लेंस होल्डर लगा दिया है जो कि आप देख सकते हो, फिर मैंने उसे रबर बैंड से अच्छे से सिक्योर कर दिया है। और फिर गाइस ऐसे ही हमें सेम टू सेम एक दूसरा बनाना होगा, एकदम सेम टू सेम वही प्रोसेस से। तो आप देख सकते हो कि मैं दूसरा भी बना रही हूँ। तो गाइस अभी आप देख सकते हो कि मैंने दोनों बना चुके हैं। तो गाइस अब मैं क्या करने वाली हूँ, आपको ये जो एक ट्यूब वॉल दिख रहा होगा इस ट्यूब वॉल को लूँगी और उसके ना बाजू में मैं एक होल्डेड प्लेट लगा रही हूँ, और गाइस उसके ऊपर जो मैंने ये जो दो लेंस बनाई हुए उसके ऊपर मैं अच्छे से उसे प्लेस कर दे रही हूँ और पीछे रबर बैंड से सिक्योर कर दे रही हूँ। और फिर गाइस उसके बाजू में ही मैं और एक ट्यूब वॉल लगा रही हूँ, और गाइस उसे वापस मैं अच्छे से रबर बैंड से सिक्योर कर दे रही हूँ। और फिर गाइस मैंने वापस आपको सेम टू सेम दोनों साइड मुझे ऐसे ही सेम टू सेम करना होगा। तो गाइस अभी आप देख रहे हो कि मैं उसे अच्छे से वापस रबर बैंड से सिक्योर कर दे रही हूँ। तो गाइस अब मैंने इस साइड का बना चुके हैं, तो अब मैं दूसरे साइड का भी बना देती हूँ फटाफट। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मैंने पूरा ये कंप्लीट कर चुके हैं। तो गाइस अभी मैंने एक आई पीस क्यूशन लिया है मैंने, जिसके ऊपर लेंस के ऊपर मैं ये लगा रही हूँ, उसे वापस बाजू में रबर बैंड से सिक्योर कर दे रही हूँ। तो गाइस अभी मैंने क्या किया है, उस पूरे लेंस ट्यूब को पूरा रिवर्स कर दिया है। फिर रिवर्स करने के बाद आपको ये दिख रहा होगा एक टाइनी लेंस होल्डर, उसको भी मैं उसके ऊपर लगा दे रही हूँ और अच्छे से रबर बैंड से सिक्योर कर दे रही हूँ। तो गाइस हमारा हो चुका है।
तो गाइस अभी मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ कि हमने स्टेज वन में क्या बनाया। तो गाइस हमने स्टेज वन में ये बनाया है, और गाइस हमने स्टेज टू में हम माइक्रोस्कोप का आर्म बनाया है, फिर गाइस हमने स्टेज थ्री में माइक्रोस्कोप का बेस बनाया है, और गाइस हमने स्टेज फोर में एक ट्यूब लेंस बनाया। तो गाइस अभी मैं क्या कर रही हूँ, इन सारे जो हमने स्टेजेस में ये सारे हमें पार्ट्स को, अब मैं इन सारे पार्ट्स को ना मैं गाइस मैं ज्वाइन कर रही हूँ। तो गाइस मैंने क्या किया है, सबसे पहले इस माइक्रोस्कोप का बेस लिया है और उसके ऊपर माइक्रोस्कोप का मैं आर्म लगा रही हूँ, और नीचे से उसे अच्छे से सिक्योर कर दिया रबर बैंड से। फिर गाइस मैंने क्या किया, जो हमने स्टेज वन में जो बनाया था उसको मैं आर्म, उसको जो मैं आर्म होल्डर के अंदर डाल रही हूँ। फिर गाइस अंदर डालने के बाद मैंने ट्यूब लेंस लिया है, और जिसको मैं ट्यूब होल्डर के साथ अच्छे से मैं उसे ज्वाइन कर दे रही हूँ। फिर गाइस मैंने क्या किया, आपको ये जो प्लेट्स दिख रही होगी, ये मैं प्लेट्स उन पूरा एक नॉब बनाने वाली हूँ, जिससे हमारा एक्सल माइक्रोस्कोप, जिससे हमारा एक्सल घूम सके। तो गाइस अभी मैं इधर नॉब क्यूशन लगा रही हूँ, नॉब क्यूशन लगा रही हूँ, और उसके ऊपर मैं और एक प्लेट लगा रही हूँ। फिर गाइस प्लेट लगाने के बाद मैं उसे रबर बैंड से अच्छे से सिक्योर कर दे रही हूँ। फिर गाइस मैंने ऐसा नॉब्स पूरे दोनों तरफ बना चुके हैं। तो गाइस बनाने के बाद मैंने एक टी नॉब लिया है, जिसको मैं जो हमारा ट्यूब लेंस है उसके मैं पीछे लगा रही हूँ, अच्छे से सिक्योर कर दे रही हूँ रबर बैंड से। गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मैं लगा रही हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मैंने पूरा लगा चुके हैं। तो गाइस अभी ना मैं क्या कर रही हूँ, आपको ये जो स्ट्रॉस दिख रहे होंगे इसको मैं उधर बाजू में जो आपको होल्स दिख रहे होंगे उस होल्स के मैं अंदर डाल रही हूँ। फिर गाइस अंदर डालने के बाद मैं उन जो आपको ग्रीन प्लग्स दिख रहे होंगे उससे मैं उसे पूरा कवर करती हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो मैं ऐसे लगा रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा माइक्रोस्कोप पूरा बन चुका है, और गाइस दिखने में ऐसा लगता है, तो आप एक बार देख लीजिए इसे अच्छे से। गाइस ये फ्रंट साइड है और ये साइड ऐसे दिखता है, ये बैक साइड है और ये ऐसे। तो गाइस अभी चलो मैं आपको माइक्रोस्कोप चलाकर देखते कि हमें ये कैसा दिखता है। तो गाइस मैं आपको ये जो एक पीस ऑफ क्लॉथ जो दिख रहा है इसको गाइस मैं इस माइक्रोस्कोप के इधर इधर डालूंगी और देखूंगी कि इसमें देखूंगी कि, चलो देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमें इधर से एक स्विच ऑन करनी है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। और गाइस इधर आपको एक स्विच दिख रहा होगा, तो इस स्विच को ऑन करनी है हमें ताकि वह थोड़ा सा लाइट आए। तो गाइस देख सकते हो ये ऑन हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो पीस ऑफ क्लॉथ है इसको हम इसके अंदर डालेंगे। चलो फिर डालते हैं। ओके गाइस तो मैंने इस पीस ऑफ क्लॉथ को इधर डाल दिया। तो गाइस आपको क्या करना है, आपको ये जो ऊपर ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है आपको इधर से देखना है। तो चलो गाइस देखते हैं हमें माइक्रोस्कोप के अंदर, माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता है पीस ऑफ क्लॉथ। नहीं दिखाई दे रहा थोड़ा सा मैसेज। ओ गाइस मैं लिटरली बता रही हूँ, मतलब सीरियसली गाइस मुझे ऐसे पूरे लाइंस दिख रहे हैं जो कि आपको इसमें नहीं दिख रहे होंगे। वो लाइंस जो माइक्रोस्कोप में आप अगर जूम करके देखते हो तो बहुत ही क्लियरली वो लाइंस दिख रहे हैं। तो अगर गाइस आपको तो ये लाइंस नहीं दिख पाएंगे तो मैं इसका एक फोटो लगा दूंगी कि जैसे मुझे वो लाइंस दिखते हैं। ओ प्रॉपरली गाइस लाइंस दिखाई दे रहे हैं। तो
गाइस चलो आप उसकी फोटो देखो एक बार, मुझे इसमें कैसे लाइंस दिखे। ये था मेरा आज का वीडियो एंड गाइस अगर आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर गाइस आपको इस वीडियो को पसंद आया है तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और मेरे चैनल व्लॉग्स बाय वनमय को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना और बाजू में जो बेल आइकन है ना उसको भी दबा देना। तब तक के लिए बाय बाय और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।